दोस्तों आज की कहानी है ननन जी मेरे मायके की चीजों पर मेरा ही अधिकार है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। लो आ गई तुम्हारी भाभी, देखो क्या क्या लेकर आई है। रासी ने जैसे ही दरवाजा खुला देकर कदम रखा, सासू माँ राज बालाजी उसे देखते अपनी बेटी नित्या से बोली। रासी नित्या को देख हाथ में पकड़े ढेरों पैकेट के साथ हकी बकी रह गई है। आज का ही नहीं पिछले 2 सालों से रासी यही देख रही है। जब भी कोई त्यार आने को होता वो सबके लिए तोहफे जरूर लाती थी, यहाँ तक कि ननन के परिवार के लिए भी। पर वो जब वह शॉपिंग को जाती राज बालाजी नित्या को यहाँ बुला लेती थी और नित्या जो पास ही दूसरी सोसाइटी में रहती थी सब काम छोड़कर घर आ जाती थी। राशि मन महसूस कर धीरे धीरे डॉल की तरह बढ़ रही हॉल की तरह बढ़ रही थी। उसका मन तो कर रहा था वह सब बैग्स लेकर अपने कमरे में चली जाए पर ऐसा कर नहीं सकती थी। देखा तो सही क्या क्या लेकर आई है। और हाँ रसोई में साय रखी है, थोड़े बिस्किट और साय लेकर आ जाओ। राज बालाजी ने आदेशात्मक लहजे में कहा। राशि भारी मन से बैग्स वहाँ रख कर जाने को हुई तो राज बालाजी ने पूछा, क्या बात है बहू, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? ये सामान हम नहीं देख सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए मैं साय लेकर आती हूँ, कह राशि रसोई में सर दी। राज बालाजी और नित्या हर बैग का सामान निकाल कर सामने फैला सूखी थी। कुछ कपड़े नित्या खुद पर लगाकर राज बालाजी से पूछ रही थी, कैसा लग रहा है, एक बहुत ही प्यारा सा सूट देख। नित्या ने माँ से कहा, माँ मैं तो ये वाला सूट ही लूंगी, बहुत प्यारा कलर भी है और डिजाइन भी। तभी हाथों में ट्रे लिए राशि ने कमरे में प्रवेश किया और नित्या के हाथ में सूट देखकर बोल पड़ी, ये सूट तो मुझे मायके से राखी पर मिला था, थोड़ी फिटिंग की दिक्कत हो रही थी वही बनवाने ले गई थी। आपके लिए जो लाई हुआ आपको देती हूँ। नित्या ट्रे टेबल पर रख राशि नित्या के लिए लाया सूट दिखाने लगी, देखो मैंने सेम 2 सूट लिए हैं, तुम्हें जो रंग पसंद हो ले लो, दिवाली पर हम दोनों एक जैसा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, राशि ने कहा। पर मुझे ये सूट नित्या कहने ही जा रही थी कि राज बालाजी ने कहा, बहू नित्या को ये अच्छा लग रहा है तो दे दो, तुम्हारे घर से मिला है, अब तुम्हारी ही सोटी ननन को पसंद आ गया तो देने में हर्ज क्या है मम्मी जी, हर्ज तो मुझे नित्या को 10 कपड़े देने में भी नहीं है। पर वह क्या है ना, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, आप ही कहती है ना, नित्या को मायके सो जो मिले सब पर बस तेरा ही अधिकार है, उठाकर नंदो को ना दे देना, फिर मेरे मायके से मिला कैसे दे दूं। और इस बार तो आपको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, अपनी ऐसी लाई मेरी बेटी की वैसी, दोनों की सेम लाई हूँ। और फिर आप भी तो कहती हैं दोनों एक जैसे पहना करो, अच्छा लगता है, राशि ने कह दिया। पर मैं तो अपने घर पर रहूँगी ना भाभी, तो सेम होने सो क्या होता है, नित्या ने कहा। अब हर त्यौहार पर यह ही तो आ जाती है सबको लेकर, अच्छा है ना ननन भाभी एक जैसा पहनेंगे, मम्मी जी भी खुश और आपको भी शिकायत नहीं होगी मेरी ज़्यादा महंगी या आपकी, राशि ने तंज कसते हुए कहा। वो तो मैं ऐसे ही कहती थी, आप ससमान बेटी नित्या पुरानी बातों पर मजाक का पर्दा डालते हुए बोली। सर ये भी अच्छा लग रहा है नित्या, दामाद जी और बच्चों के कपड़े भी लाई हैं, वह मैं निकुंज और राशि से भिजवा दूंगी। राज बालाजी को अपनी साल विफल होती महसूस हो रही थी। नित्या कुछ देर बाद चली गई, बहू ये तुम कैसे कह रही थी, नित्या से अच्छा लगता है क्या, ये छोटी ननन है।
दे ही देती तो क्या हो जाता। राज बालाजी ने कहा, मम्मी जी देने को मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, पर आप एक बात बताइए, जब आपने ही कहा सबके लिए कपड़े ले आओ और हाँ तुम दोनों एक जैसे ही लेना, व नित्या को लगता है तुम अपने अच्छे लाती, उसको कमतर देती। जब मैं लेकर आती और उनको घर देने जाती, आप नित्या को यहाँ क्यों बुला लेती हैं? क्या आपको भी बहू पर भरोसा नहीं रहता? और रही मेरे मायके वाले सूट की बात, मुझे भी उससे लगावे जैसे नित्या को आप सिखाया करती, फिर अपनी सीख में भेदभाव क्यों? ऐसे तो फिर मैं सिपा कर लाना शुरू कर दूंगी। ये साथी हैं आप राशि ने पूछा। वह बहु नित्या शुरू से ही पहले अपनी चीजें पसंद करती और जैसे ही पता चलता तुम शॉपिंग को जा रही हो वह आ जाती है। आगे से ध्यान रखूंगी, उसे ना बताऊं। राज बालाजी को एहसास हो रहा था कहीं ना कहीं वह बेटी और बहू के साथ भेदभाव कर रही थी। कल निकुंज के साथ जाकर कपड़े मिटाई दे आना, वैसे तो वह घर पर ही आएंगे पर रिवाज तो निभाने पड़ेंगे। नाराज बालाजी ने कहा, जी मम्मी जी वैसे आप हम दोनों को बराबर मान देगी तो मुझे कभी इस तरह से कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। कर राशि सब बैग उठा कमरे में रखने चल दी। दोस्तों बहुत घरों में बेटियों को ज़्यादा सिर सटा कर रखा जाता है, ऐसे में घर आई बहू के साथ भेदभाव होना स्वाभाविक है। आप अगर बेटी की माँ हैं तो ऐसे संस्कार दे कि बहू को भी बुरा न लगे और ननन भाभी में प्यार बना रहे। बहुत बार ननन भाभी के बीच कलह की वजह कहीं ना कहीं एक माँ बन जाती है, ऐसी माँ आप ना बने।